नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके नीट टेबल में। दोस्तों, ये मेरा स्टॉक मार्केट के ऊपर ये तीसरा वीडियो है। इसके पिछले दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले ये वीडियो पॉज कर दीजिए और पिछले मेरे दो वीडियो है वे पहले आप देखिए। उसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे पर्टिकुलर स्टॉक को बाई और सेल आप कर सकते हैं, तो मैंने उसमें जरोधा प्लेटफॉर्म का मैंने इस्तेमाल करके आपको बताया था कि आप उसमें कैसे स्टॉक को बाई और सेल अप कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कैसे आप 5 से 10 मिनट में आप स्टॉक को आप चेंज कर सकते हैं कि मेरे को आज के दिन यही स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको आना है, ये NSE की वेबसाइट है, यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे NSE की जो वेबसाइट है ये ओपन हो गई है। और आपको जो आप इंट्राडे जो आप ट्रेडिंग आप लेंगे वे आप मैक्सिमम आप ट्राई करिए कि आप निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उसके अंदर ही आपको ट्रेडिंग करना है इंट्राडे में, क्योंकि इसमें यह होता है कि जो इसमें वॉल्यूम होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जो उसके प्राइजेस होते हैं वे भी मतलब कि बहुत फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। और अगर आप निफ्टी 50 के बाहर के अगर आप स्टॉकों में अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटजी आप अपना के उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो प्राइस का जो फ्लैक्चुएशन है वह बहुत ही कम होता है और उसमें तो उसमें आपको जो प्रॉफिट है वह बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं और लॉस भी उसमें बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। मगर हम इंट्राडे क्यों करते हैं, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। तो आप दो मिनट सोचिए फिर मेरे को बताइए, ये वीडियो पॉज कर दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम इंट्राडे इसलिए करते हैं कि हमको डेली कुछ ना कुछ छोटी मोटी इनकम हो जाए। तो आपको इस वेबसाइट में आना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने सिंबल खुले हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्विटी स्टॉक्स है इसमें आपको कर देना है, ओके कर देना है और यहाँ पे निफ्टी जो 50 जो स्टॉक हैं वे पूरे इसमें आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपको फिर इसमें क्या करना है, आपको इसमें करना है सिलेक्ट। जैसे कि मार्केट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9:15 बजे ओपन हो जाती है, तो जैसे मार्केट 9:15 बजे ओपन होती है वैसे ही आपको इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, आपको 9:15 बजे जैसे मार्केट ओपन होती है आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना होता है, क्योंकि जो पिछला दिन होता है उसमें बहुत सारे जो ऑर्डर होते हैं वो पेंडिंग होते हैं और इसमें जो जैसे ही 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है वे सब ऑर्डर जो होते हैं वे एक्सचेंज होते रहते हैं और फिर इसमें जो उस पर्टिकुलर स्टॉक जो आप बाई करने की सोच रहे हो उसका जो वैल्यूएशन होता है, जो उसका प्राइस होता है, वो अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको 90% लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हम 10% अगर तुक्का लग गया तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसमें आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको कम से कम 20 से 30 मिनट आपको वेट करना है, मार्केट थोड़ा एकदम स्टैटिक हो जाए, थोड़ा स्थिर हो जाए, उसके बाद फिर आपको ट्रेड अपना इनिशिएट करना है। तो आपको ट्रेड इनिशिएट कौन से स्टॉक में करना है, सबसे बड़ी बात तो वही होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 खोल दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी स्टॉक अप्रॉक्स 9:45 बजे के आसपास 1% की तेजी अगर वो स्टॉक दिखाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज चेंजिंग दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि वो स्टॉक उस दिन कितना उस टाइम कितना भाग रहा है। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये 1.1 का अभी ये दिखा रहा है, मतलब कि ये 1.01 ये अभी उछाल पे है, तो इसको आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था अपने जरोधा अकाउंट में बताया था कि आपको ऐड कैसे करना है, तो इसमें आपको ऐड कर लेना है। और ये जो मेरा वॉच लिस्ट है ये मैं डेली इसमें चेंज में करते रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार जो स्टॉक डाल दिए वही मेरे वॉच लिस्ट में ऐड होता है, मैं अपना ऐड लिस्ट जो है इसके हिसाब से डेली इसको मेंटेन करते रहता हूँ। तो मान लीजिए जैसे कि ये 1.01 पे आया है, ये 0.81 पे आया है, मतलब कि जो स्टॉक अप्रोक्स 1% गेन दिखा रहे हैं मतलब कि 20 से 30 मिनट के अंदर, तो उसको आपको क्या करना है, अपने जरोधा जो आपका अकाउंट है वहाँ पे उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अगर ये स्टॉक 1% बढ़े हैं और प्लस आप देख सकते हैं जो ऊपर निफ्टी है ये भी अगर बुलिश ट्रेंड आपको दिखाता है तो ये अप्रोक्स 2 से 3% ये आपको रिटर्न दे ही जाते हैं। तो सबसे बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन करने का यही है कि आपको निफ्टी 50 वाले स्टॉक ही लेने हैं और उसके बाद फिर आपको दो कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिलानी होती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका 1% पे है और जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप देख सकते हैं 72.3
30 है तो ये भी ठीक है, मतलब कि जो वॉल्यूम है वो 50 से ऊपर हो तो उसको ठीक माना जाता है, अगर वो 100 के ऊपर हो तो और भी अच्छा माना जाता है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं जो उसकी वॉल्यूम है 167.65 है, ये वॉल्यूम होता है लैक्स में काउंट होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें अप्रोक्स 4% का इसमें दिया गया है, रिटर्न दिया गया है। तो वैसे ही अगर ये स्टॉक जब ओपन हुआ था वो इसका भी अप्रोक्स 0 से 1% बढ़ा होगा और फिर इसका वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। वॉल्यूम मीन्स ये होता है कि उस स्टॉक में लोग कितना ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अप्रोक्स इसमें इतने लोगों ने उस दिन ट्रेडिंग किया है। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा जो स्टॉक अगर बुलिश ट्रेंड में है तो उसका जो ट्रेंड है वो अप जाएगा, मीन्स आपको प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा देगा। अगर वॉल्यूम अगर ज़्यादा है मगर जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है तो उतना ही वे जो स्टॉक है वो नीचे आएगा। तो इसमें आप दोनों ही ओकेजन में आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वे कैसे, एक तो मैंने आपको बताया कि अगर स्टॉक अप है तो उसमें आप बाई कर सकते हैं, मतलब नीचे अमाउंट में, और उसको हाई रेट पे सेल कर सकते हैं। और एक इसमें होता है शॉर्ट सेल होता है, शॉर्ट सेल के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप शॉर्ट सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में बताऊंगा तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा केवल आज के वीडियो में केवल इतना ही है, मोटो है कि आप इंट्राडे में पर्टिकुलर जो स्टॉक है वह आप स्टॉक को आप कैसे इसमें आप चेंज कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपको निफ्टी 50 के बाहर के जो पर्टिकुलर सेक्टर वाइज आपको अगर स्टॉक सिलेक्शन करना हो तो वे आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द वीडियो से जानकारी साथ, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।